अगर आपकी गार्डन में इस तरह से आपकी कलियों पर ये माइट्स ब्लैक कलर के और चींटियों का अटैक हो, तो आप इस तरह से एंजाइम जो घर में बना के रखते हैं, ये एंजाइम नींबू संतरा और गुड़ से बनाया गया है, इसको बना के डाल के बॉटल में भर के रख दें किसी छाए वाली जगह में, और इसको तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। इस तरह से आप इसमें भर के हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि ये मेरे गुड़हल के देखिए कलियों पर ये कितनी चींटियां और ये इसको पूरा कलियां खराब किए दे रही हैं। कितना सुंदर फ्लावर्स देखिए खिले हैं, और इसी प्लांट में और किसी में नहीं, जितनी भी कलियां हैं ये देखिए इन पर सब चींटियों ने अटैक कर रखा है। तो दोस्तों, आज मैं इनको हटाने के लिए ना मैं किसी पेस्टिसाइड का उपयोग करूंगी और ना कोई ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड मैंने बना रखा है। आज मैं जो है ये जो मैं एंजाइम बना के रखती हूँ, ये देखिए एंजाइम मैंने बॉटल में ये नींबू संतरा गुड़ देखिए नींबू संतरा गुड़ तीन चीज का बना हुआ ये एंजाइम है, ये देखिए, और ये लगभग 2 साल पुराना है। तो आज मैं इसी को अपने इस स्प्रेयर बॉटल में भर के, इसकी 1.5 लीटर कैपेसिटी है, और इसमें मैं 2.5 ढक्कन इसमें मिलाऊंगी, 2.5 चम्मच। एंजाइम बनाना बनाने की मेरी एक वीडियो है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो देखिए मैं अंदाजन 2 ढक्कन के बराबर इसमें डालूंगी, बस 2 ढक्कन पड़ गया। अब इसी का स्प्रे मैं आज करूंगी, और इसका स्प्रे मैं कंटिन्यू करूंगी, तो इससे मेरे एंजाइम से ये जो काले काले ये चींटियां लगी हैं और काले माइट्स लगे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मेरे प्लांट को पोषण भी मिलेगा। ये एंजाइम जो होता है ये कई तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, और कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और उसके आगे जो है मैं लिंक ज़रूर डाल दूंगी, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।